महान इंसान ने कहा है, बेटा अपना दिमाग जितना शांत रखोगे उतने ज्यादा दिन तक जी जाओगे। मतलब यार खुश रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। लेकिन ये जो मोबाइल वाली मार्केट है ना, यहाँ पर तो गदर मची हुई है। हर एक मोबाइल कंपनी आपस में भिड़ रहे हैं। कभी Realme अच्छा फोन लॉन्च कर देता है, कभी Xiaomi फोन लॉन्च कर देता है, कभी Vivo, Samsung और बहुत सारे कंपनी अपने फोन लॉन्च कर देते हैं। अब यार इंडिया में तो फोन की बाढ़ सी आ गई है। पहले 16,000 रुपए में लॉन्च हुआ Realme का XT, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। अब इनको बीट करने के लिए Redmi का Note 8 Pro भी है, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और इस फोन का प्राइस है 15,000 रुपए। अब यार 17,000 रुपए में लॉन्च हो चुका है Realme का X2। 17,000 रुपए में आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिल जाती है। लेकिन क्या 17,000 रुपए लगाने चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में कंपैरिजन करूंगा Redmi के Note 8 Pro से। ये फोन है 15,000 रुपए का और ये फोन है 17,000 रुपए का। सबसे पहले बात कर लेते पिछवाड़े की, मतलब पीछे की तरफ कैसा फोन दिखता है। दोनों ही फोन पीछे से बड़े प्रीमियम दिखते हैं, लेकिन जो कैमरा है ना वो थोड़ा सा अलग जगह लगा हुआ है। आपको Redmi के Note 8 Pro में बीच में कैमरा दिख जाता है, यहाँ पर पीछे की तरफ ही आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट। और यदि आप जाते हैं Realme के X2 में तो यहाँ पर आपको कॉर्नर की तरफ 4 कैमरे मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ यार मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा, ये दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा चिकने हैं। इनकी जो कमरिया है ये बहुत ही ज्यादा पतली भी है और उसके साथ साथ ये आपके हाथ से फिसल भी सकते हैं। तो कृपया करके जब भी आप इन दोनों फोन को बाय करें ना, तो भैया एक बैक कवर जरूर लगवा लीजिएगा। और साथ में इन दोनों ही फोन में पीछे की तरफ आपको ग्लास मिलता है, पॉली कार्बोनेट नहीं मिलता है, और साथ में गुरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सबसे बड़ा जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिस्प्ले में। यदि आप जाते हैं Redmi के Note 8 Pro में तो यहां पर आपको मिल जाती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, और साथ में आपको ऊपर की तरफ एक नॉच देखने को मिलती है। और यदि आप जाते हैं Realme के X2 में तो यहां पर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन ये डिस्प्ले जो है ना, ये है सुपर एमोलेड, और साथ में यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है जो आपको Redmi के Note 8 Pro में नहीं मिलता है। यदि आपको अच्छी खासी वाली डिस्प्ले चाहिए तो भैया आप जाइए Realme के X2 में। उसके साथ साथ दोनों ही फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन मिल जाती है आगे की तरफ। अब यार जो लोग बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं, जो लोगों को बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, तो यार आप किसी भी फोन में जा सकते हैं। बस यार डिस्प्ले में आपको सुपर एमोलेड मिल जाती है Realme के X2 में। चलिए फटाफट एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि यार कौन से फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है। एक बार मैं Realme X2 को खोल देता हूं। ओह, यहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप 2 4G वाले सिम कार्ड भी लगा सकते हैं और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और यदि आप बात करते हैं ये Redmi के Note 8 Pro की, तो यहां पर भी आपको वही मिलता है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन। यहां पर जो स्लॉट है वो अलग से लगाया गया है। चलो यार इसकी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिस वजह से Redmi का Note 8 Pro में आपको थोड़ा सा अच्छा लगने वाला है। जिन लोगों को इनबिल्ट एलेक्सा चाहिए तो यार आपको जाना चाहिए Redmi के Note 8 Pro में। और साथ में यहां पर आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है जो Xiaomi की डिवाइस के लिए बड़ा खास है। बट उसके साथ साथ जो Realme का X2 है ना, यहां पर आपको Dolby Atmos का फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से जो साउंड आउटपुट है वो आपको Realme के X2 में ज्यादा अच्छा मिल जाता है। लेकिन मैं आपको इतना कह दूं, Redmi के Note 8 Pro का भी साउंड बुरा नहीं है। यहां पर भी आपको काफी अच्छा साउंड देखने को मिल जाता है। और जब भी आप हेडफोन से साउंड सुनते हैं तो दोनों ही फोन में मुझे सेम चीजें मिली है। मैं यही कहूंगा कोई 19 है कोई 20 है, दोनों ही फोन आप म्यूजिक के लिए ले सकते हैं। तो यार इन दोनों ही फोन में आपको वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यार आप अपने HD वाले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो जब आप देखेंगे ना तो मुझे ज्यादा अच्छे कलर देखने को मिले हैं ये जो Realme का X2 है, क्योंकि यार यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। अब जिन लोगों को कैमरा टू API जानना है तो मैं आपको ये बता दूं, इन दोनों ही फोन में आप गूगल वाला कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा टू API इनेबल है।
जब मैंने कैमरे की बात कर ही ली है ना, तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, दोनों ही फोन में पीछे की तरफ आपको जो कैमरा मिलता है वो बड़ा अच्छा मिलता है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का। और जो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो है सैमसंग का GW1। साथ में यदि आप लेते हैं Realme का X2 तो यहां पर आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का। और यदि आप जाते हैं ये वाले फोन में, मतलब Redmi के Note 8 Pro में, तो यहां पर आपको आगे की तरफ मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। जब भी आप 64 मेगापिक्सल वाली फोटो देखेंगे ना, तो यार यहाँ पर आपको जो कलर है ना वो दोनों ही फोन में काफी पंची देखने को मिल रहे हैं। बस थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट आपको कलर देखने को मिलते हैं Realme के X2 में, लेकिन डिटेल की कमी नहीं है। यही सारी की सारी चीजें आपको पोर्ट्रेट शॉट्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे कलर देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ जो कॉर्नर्स हैं वो भी काफी शार्प हैं। दोनों ही फोन से आप माइक्रो वाले भी शॉट्स ले सकते हैं। वैसे यार मेरे हिसाब से पता नहीं कितने लोग माइक्रो शॉट्स लेंगे, लेकिन चलो आपको ये फीचर मिल जाता है। उसके साथ साथ यदि आप अल्ट्रा वाइड वाली फोटो देखते हैं, तब भी आपको दोनों ही फोन से अच्छे खासी वाले फोटो दिख जाती है। अल्ट्रा वाइड में भी यदि आप ध्यान देंगे तो आप ये देखिए, जो Realme का X2 है यहाँ पर आपको जो कलर है वो थोड़े से ब्राइट मिल जाते हैं। यदि आप नाइट में फोटो देखते हैं तो मुझे Realme के X2 का कैमरा ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर जो फोटो है बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, कलर भी काफी अच्छे हैं। Redmi के Note 8 Pro में ना आपको कलर जो दिखते हैं वो अच्छे दिखते हैं। बस मैं तो यही कहूंगा, अपडेट के बाद Realme X2 का और साथ में Redmi के Note 8 Pro का जो कैमरा है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। सेल्फी में भी जो फोन विनर है ना वो है Realme का X2। अब मैं आपको वीडियो शॉट दिखा देता हूँ। अब ये जो वीडियो है ये है दोनों ही फोन के रियर कैमरे से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार यदि आप रियर कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो कौन से फोन में आपको ज्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी और EIS कैसा काम कर रहा है। और जो Redmi का Note 8 Pro है ना, यहाँ पर आपको कलर थोड़े से ज्यादा ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। एक बार चलते हैं पत्तियों की तरफ। अब आप ये देखिए, आपको Redmi के Note 8 Pro में जो दिन में कलर देखने को मिल रहे हैं वो काफी ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। अब हो गई है रात, और रात में देखना ये दिलचस्प होगा कि यार कौन से फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा है। और वैसे आपको अभी EIS भी समझ में आ रहा होगा। और एक बार आप ऊपर नजर डालिए जहाँ पर लाइट है, जो Realme का X2 है यहाँ पर आपको लाइट काफी अच्छी दिख रही है, और जो Redmi का Note 8 Pro है ना यहाँ पर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। नाइट में Realme का जो X2 है यहाँ से काफी अच्छे वाले आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बार आप पत्तियों के कलर में भी देखिए यार, फर्क आपको देखने को मिल रहा होगा। Realme के X2 में आपको जो कलर देखने को मिल रहे हैं वो काफी पंची देखने को मिल रहे हैं। अब एक तरफ आपको दिख रहा होगा Realme का X2 जो यार केवल और केवल 17,000 रुपए में लॉन्च हुआ है, बड़ा अच्छा फोन है। और साथ में अब आपको दिख रहा होगा Redmi का Note 8 Pro। अब आप मुझे बताइए कि यार आपको कौन सा वीडियो ज्यादा पसंद आ रहा है, 32 मेगापिक्सल वाला जो आपको Realme X2 में मिल जाता है, या आपको Redmi के Note 8 Pro वाला वीडियो पसंद आ रहा है। एक बार थोड़ा सा मूव होते हैं, देखते हैं यार क्वालिटी में क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए ये मेरे पीछे एक लाइट लगी हुई है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यार लाइट किसमें ज्यादा कैप्चर हो रही है, कहां से आप काफी अच्छे वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में यार फोन लेते हैं व्लॉगिंग के लिए। कैमरे के बारे में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, चाहे आप Redmi का Note 8 Pro ले लीजिए, चाहे Realme का X2 ले लीजिए, दोनों ही फोन में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिल जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद दोनों ही फोन का जो कैमरा है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी के मामले में आपको Redmi के Note 8 Pro में मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी, साथ में 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको Realme के X2 में मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी, साथ में 30 वॉट का वूक चार्जर मिलता है, और ये जो फोन है ना ये बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है। बैटरी के मामले में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यार आप किसी भी फोन को ले लीजिए, दोनों ही फोन में आपकी जो बैटरी है ना वो पूरा का पूरा दिन निकाल देगी। ये तो आपके ऊपर है कि यार आप कैसे बैटरी यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। आपको Realme के X2 में कलर OS मिल जाता है, और धीरे से यहाँ पर आपको Realme का OS भी मिलने वाला है, और आपको Redmi के Note 8 Pro में भी जो इनका MIUI 11 है
वो मिल जा रहा है। वैसे मैं इतना ही कहूंगा, दोनों ही फोन सॉफ्टवेयर के मामले में काफी अच्छे हैं। सॉफ्टवेयर भी आपकी पसंद है, किसी को कलर ओएस पसंद है और साथ में किसी को MI UI पसंद है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे हाईलाइटिंग फीचर की, वो है यहाँ पर प्रोसेसर। आपको Redmi के Note 8 Pro में MediaTek का Helio G90T मिलता है जो है गेमिंग वाला प्रोसेसर और ये 12 nm का है। और आपको Realme के X2 में मिल जाता है बिल्कुल चमचमाता हुआ प्रोसेसर Snapdragon का 730G। यही प्रोसेसर आपको Redmi के K30 में मिलता है। अब मैं आपको अंततु बेंचमार्क स्कोर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, आपको Redmi के Note 8 Pro में जो बेंचमार्क स्कोर मिलता है वो मिलता है 288,000 के आसपास, और यदि आप जाते हैं ये वाले फोन में Realme के XT में तो यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर मिलता है 265,000 के आसपास। मतलब ये कह सकते हैं जो Redmi के Note 8 Pro में आपको प्रोसेसर मिलता है ये बहुत अच्छा प्रोसेसर मिलता है, यहाँ पर आपको अंततु बेंचमार्क स्कोर ज्यादा मिलता है। यार जो यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है ना Realme के X2 में Snapdragon का 730G, यहाँ पर जो GPU है वो है Adreno का 618, यहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलते। और साथ में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार MediaTek का जो प्रोसेसर है वो हीट होता है, बट मैंने जितना भी यूज किया है अभी तक मुझे Realme के X2 में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है। और साथ में PUBG आप Redmi के Note 8 Pro में HDR सेटिंग में अल्ट्रा में खेल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल आपको HD सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है हाई ग्राफिक्स में Realme के X2 में। धीरे धीरे करके यदि इन्होंने अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड किया तो भैया मजा आने वाला है। अब इतना ही मैं कहूंगा, परफॉर्मेंस के मामले में आप कोई भी फोन ले सकते हैं। Snapdragon का 730GB काफी पावरफुल प्रोसेसर है और जो MediaTek का Helio G90T है यह भी काफी अच्छा प्रोसेसर है। उसके साथ साथ इन दोनों फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, और यार फेस अनलॉक में भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, दोनों फोन आराम से अनलॉक हो जाते हैं। बस जिन लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए उनको तो जाना चाहिए Realme के X2 में। अब इन दोनों फोन में आपको सारे के सारे सेंसर मिल जाते हैं। Redmi के Note 8 Pro में आपको यार वो जो आगे वाली लाइट है ना, मतलब नोटिफिकेशन लाइट, वो मिल जाती है, वो आपको अभी तक Realme की डिवाइस में नहीं मिलती है। मुझे तो बस यही कहना है कि यार Realme वालों थोड़ा सा यार इसको भी दे दो तो और अच्छा हो जाए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि यार आपको कौन से फोन में जाना चाहिए। यदि आपका बजट कम है, आपको केवल लगानी है 15,000 रुपए, तो आप जा सकते हैं ये वाले डिवाइस पे, मतलब Redmi के Note 8 Pro में। लेकिन यदि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए, Snapdragon का 730 चाहिए जो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, और साथ में आपको Dolby Atmos का फीचर चाहिए, और भाई उसके साथ साथ यहां पर आपको 30 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है, तो आप Realme के X2 में जा सकते हैं। अभी के लिए तो भाई यही मैं कहूंगा कि आप इन दोनों ही डिवाइस में किसी भी डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से Redmi का Note 8 Pro ज्यादा अच्छा है या Realme का X2 ज्यादा अच्छा है, या आप अभी भी Realme का जो XT है यहां पर जाएंगे? आपके दिमाग में और भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो ना तो यार वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करना ना भूलेगा। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन देखने को मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।